बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी वजह से झगड़े चलते रहते थे। उस युवक को इन बातों से बहुत परेशानी होती। घर के झगड़े रोकने के लिए वह प्रतिदिन कोशिश करता रहता था, परंतु झगड़ा खत्म होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता था। युवक सोच रहा था कि परिवार में अगर ऐसे ही झगड़ा चलता रहा तो आए दिन हम लोगों का जीवन बद से बदतर हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वह एक दिन काम की तलाश में निकल गया। वह जिसके पास भी काम के लिए जाता, लोग अगर पूछते कि मजदूरी कितना लोगे तो वह सोचता कि अगर हम पहले ही मजदूरी तय करेंगे तो हो सकता है लोग हमें काम ना दें। इसलिए वह कहता कि हमें काम की ज़रूरत है, आप हमें काम दो, फिर मजदूरी चाहे जो दे देना। ऐसे में लोग उसका फ़ायदा उठाते। उससे लोग काम तो ज़्यादा लेते, लेकिन काम के हिसाब से मजदूरी नहीं देते, क्योंकि काम करवाने वाले मालिक को यह पता होता था कि यह काफ़ी मजबूर है, इसकी स्थिति ख़राब है, इसको अगर कम पैसा देंगे तब भी यह काम करेगा। जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो अपने दोस्तों से बातें करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर में भोजन के लाले पड़े हैं, आए दिन इसी वजह से घर में झगड़े होते रहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। सभी मित्र पहले तो उसकी बातें ध्यान से सुनते और बाद में वही मित्र उसको ताना देते कि तुम तो बहुत गरीब हो और तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सभी दोस्त आपस में बातें करते कि इसके परिवार में तो एकता नहीं है, यह जब भी हमारे पास आता है तो अपने दुखों का रोना रोता रहता है। उस युवक ने तो उन दोस्तों को अपना समझकर अपनी सारी बातें बताई थी कि हो सकता है कि कोई मित्र उसकी मदद कर दे। कोई मित्र उसकी मदद तो करता नहीं, लेकिन ऊपर से यह कह देता है, यह देखो यह बेचारा बहुत गरीब है, और गरीब गरीब कहकर उसका तिरस्कार करते और उसकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते। क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि यह तो गरीब है, यह हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम इसे जो चाहें वह कह सकते हैं। वह युवक यह सब बातें सुनकर काफ़ी परेशान था। वह सोचने लगा कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उस गांव में एक महात्मा आते हैं। जब उस युवक को पता लगता है कि इस गांव में एक महात्मा आए हुए हैं तो वह तुरंत महात्मा के पास जाता है और महात्मा के पैरों को पकड़कर रोने लगता है। महात्मा जब उस युवक से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो, महात्मा कहते हैं तुम पहले तो चुप हो जाओ और फिर अपनी समस्या हमसे बताओ। फिर वह युवक चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है और महात्मा से अपनी सारी व्यथा बताता है कि कैसे लोग मजदूरी का पैसा कम देते हैं और हमारे दोस्त जिनको मैं अपनी परेशानी बताता हूँ वह मदद करने के बजाय हमारा मजाक बनाते हैं, इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें, हे महात्मा मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। जब उस युवक की सारी बातें महात्मा को समझ आ जाती हैं तब महात्मा कहते हैं तुम्हें उन लोगों के सामने अपने गरीबी का रोने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी की मजबूरी को भांप लेता है तो वह उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि जो तुम लोगों के सामने अपने गरीबी का रोना रोते हो, वे लोग बहुत मूर्ख होते हैं जो अपने घर का झगड़ा, अपनी गरीबी सब लोगों के सामने बताते चले जाते हैं, यह सोचकर कि लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन लोग इन बातों को सुनकर मन ही मन खुश होते हैं
और मदद करने के बजाय मौका मिलने पर मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और तुम्हारे ही कहे उन बातों को एक हथियार बनाकर तुम्हें ताना देते हैं। यह सब बातें सुनकर युवक महात्मा के पैरों में फिर से गिर गया और बोला, हे महात्मा, आप ही हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। महात्मा कहते हैं, जो हो गया सो हो गया। परंतु महात्मा ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा, जिसे तुम्हें किसी को नहीं बताना है। इन बातों को केवल अपने तक ही सीमित रखना है। फिर चाहे वह दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार, किसी को यह बातें नहीं बतानी हैं। पहला, हम अपना लक्ष्य और अपने भविष्य में जो हमने सपने देखे हैं उसको किसी को नहीं बताना है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि कुछ लोगों को अपने भविष्य में देखे गए सपने के बारे में बता देते हैं। आपका संबंध आपके घर में अच्छा हो या बुरा है, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। वह दूसरा व्यक्ति चाहे आपका मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि दूसरे के घर की बात लोग बड़े मज़े से सुनते हैं और मौका मिले तो तुम्हारे परिवार में और कलह उत्पन्न करने की कोशिश भी करते हैं। और वहीं पर कुछ लोग तुम्हारे घर के कलह को तो सुनते हैं मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। और वहीं पर कुछ लोग तुम्हारे परिवार को तितर बितर देख मौका मिलने पर नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। इसलिए हमें अपने घर की समस्याएं अपने घर के सदस्यों से मिलकर ही सुलझा लेनी चाहिए। लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग तुम्हें झूठी हमदर्दी दिखाएंगे और पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करेंगे। इसलिए अपने परिवार की बातें अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। फिर महात्मा ने कहा, मैं जो चौथी बात बता रहा हूँ इसे तुम ध्यान से सुनना। कभी भी भूल कर किसी को अपने संपत्ति के बारे में नहीं बताना चाहिए। कभी भी किसी से यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास यह चीज़ है। तुम अपने संपत्ति के बारे में ऐसे लोगों से बता देते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम इतने धनवान हो, तुम्हारे पास इतने घर हैं, और तुम ऐसा इसलिए करते हो कि लोगों को पता चले कि तुम्हारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं। लेकिन कई बार लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनके सामने अपनी डींगें हाँक रहे हो, तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम उन्हें छोटा महसूस कर रहे हो, इसलिए वे लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं। यदि तुम्हारे पास वास्तव में इतना धन है तो कुछ लोग तुमसे झूठी दोस्ती, झूठा रिश्ता बनाने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि समय आने पर वह अपना मतलब निकाल सकें। और ज़रूरी नहीं होता कि समय एक समान ही रहे, यह भी हो सकता है कि आज जो तुम्हारे पास इतना कुछ है आने वाले समय में कुछ भी ना रहे। इसलिए किसी से भी अपने संपत्ति के बारे में बताना उचित नहीं होता। महात्मा ने आखिरी और 5वां बात बताई, जिसे आपको ध्यान से सुनना भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि तुम अपनी कमजोरी और ताकत कुछ ऐसे लोगों के सामने रख देते हो जिनका उन्हें जानकारी भी नहीं होता। वे लोग नहीं जानते कि आपकी कमजोरी और आपका ताकत क्या है। ऐसे में कुछ लोग आपकी कमजोरी को जानकर आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे और आपका ताकत पता चल गया तो कभी ना कभी आपकी ताकत का तोड़ जरूर निकाल लेंगे, जिससे आप अपनी ही ताकत को बताकर आने वाले समय में कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए भूलकर भी अपने ताकत और कमजोरी को किसी से बताना नहीं चाहिए। अगर आपकी ताकत और कमजोरी के बारे में आपके मित्र को पता है तो आपके दुश्मन आपके मित्र से मित्रता करके आपकी ताकत और कमजोरी को जान लेंगे, जिससे आपके दुश्मन भी आपको हानि पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि आपका सगा मित्र भी आने वाले समय में कहीं आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया, तो उसे तो पहले से ही आपकी ताकत और कमजोरी के बारे में पता है, वह आपको आसानी से परास्त कर सकता है, आपको बड़ी कठिनाइयों में डाल सकता है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।